के हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं वीसी और आप देख रहे हैं बाउंटी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एमएसडी इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, उसको जानेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। बाद में हम इसमें देखेंगे कि कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है, पहले एक इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पांस मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहले जान लेते कि ये एमएससीडी इंडिकेटर वो कैसा है, कैसे ये बनता है, कैसे इस पे वर्क होता है और क्या क्या इसमें देखना हमें होता है। तो पहले देख लेते, तो जो एमएससीडी का मतलब होता है वो होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जर डाइवर्जेंस। बाद में क्या कि यह इंडिकेटर आपको लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब थोड़े लेट सिग्नल देता है। लेकिन ये इसकी अच्छी बात है कि ये आपको लेट सिग्नल देता है, लेकिन क्या है कि ये आपको थोड़ा एक्यूरेट सिग्नल देता है। अगर आप इसमें क्या है कि अच्छे तरह से वर्क करोगे तो आपको एक्यूरेसी इसमें नो डाउट ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन आपको इसमें अच्छे तरह से वर्क करना होगा तो इसके लिए आपको लर्न करना होगा, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए अपने आप से, बाद में इसमें आप अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हो। तो एमएससीडी एक लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन वो लैगिंग इंडिकेटर क्यों है, तो एमएससीडी जो होता है वो आपको क्या है कि मूविंग एवरेज पे वर्क करता है। तो मूविंग एवरेज प्राइस पे वर्क करती है, बाद में क्या है कि मूविंग एवरेज आती है और बाद में आपको एमएससीडी आती है। तो क्या है कि ये थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन मैंने जो आगे बताया कि आपको इसमें अच्छी एक्यूरेसी मिल सकती है, लेकिन अगर आप इसमें सही तरीके से वर्क करो तो। तो बाद में हम देख लेते तो इसके क्या होता है कि इसमें कौन कौन सी लाइन आती है वो सब वगैरह। तो आप देख रहे हो जो एमएससीडी, ये जो क्या है कि रेड कलर की लाइन होती है ना, इसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं। बाद में जो ये ब्लैक कलर की लाइन है, इससे आप एमएससीडी लाइन बोल सकते हो। ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैसे निकलती है, वो हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन है वो कैलकुलेट कैसे होती है। तो जो हमारी एमएससीडी लाइन होती है वो 26 ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको डिडक्ट कर देते हैं हम 12 मूविंग एवरेज से, मतलब एक्सपोनेंशियल एवरेज से, तब आपको ये एमएससीडी लाइन मिलती है। बाद में जो ये सिग्नल लाइन है वो कैसे मिलती है, तो सिग्नल लाइन कैसे मिलती है, तो 9 पीरियड ईएमए ऑफ एमएससीडी लाइन, मतलब जो आपकी एमएससीडी लाइन है उसको 9 पीरियड लेके जब भी आप पॉइंट प्लॉट करोगे तो आपको उससे एक सिग्नल लाइन मिलती है। तो ये हो गया आपका एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन कैसे जनरेट होता है। अभी इसमें आप वर्क कैसे कर सकते हो, तो नॉर्मल बात है जब आप एमएससीडी इंडिकेटर लगाओगे तो उसमें आपको एक बीच में जीरो वाली लाइन देखने को मिलेगी, जो ये ब्लैक कलर की लाइन है उसकी बात कर रहा हूं। जब ये जीरो लाइन के नीचे आपको क्रॉस ओवर दे तब आप इसमें बाय साइड सिग्नल मान सकते हो, जब ये जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर दे तब आप इसमें सेल साइड सिग्नल मान सकते हो। और बात, जब ये बाय साइड क्रॉस ओवर देगा तब आपको देखना है कि जो आपकी एमएससीडी लाइन है वो आपको सिग्नल लाइन को कट करके नीचे से ऊपर जानी चाहिए, तब आप इसमें बाय साइड मान सकते हो। और क्या है कि सेल साइड के लिए ये जो एमएससीडी लाइन है वो आपको सिग्नल लाइन से ऊपर से कट करके नीचे आनी चाहिए, तब आप इसमें सेल साइड सिग्नल मान सकते हो। और मेन बात, जितने ये दोनों के बीच में गैप रहेगा, जब ये क्रॉस ओवर होगा जितना इस दोनों के बीच में गैप रहेगा उतना ही उसमें आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई आपको एमएससीडी के बारे में एक नॉर्मल बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ईएमए क्या है, एमएससीडी लाइन क्या है, सिग्नल लाइन क्या है, वो सब। तो चलिए अब देखते हैं कि ये अभी क्या है कि चार्ट पे कैसे इस पे वर्क करना है, इसमें एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सब। तो चलिए चलते हैं अब हम चार्ट पे। तो नॉर्मल बात है, आपको इसमें बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है, वो देखना है। तो मैंने आगे बताया, आप बीच में एक जीरो लाइन ड्रॉ कर लो, जो ये ब्लैक लाइन है वो मेरी जीरो लाइन है। अगर ये इसके ऊपर आपको क्रॉस ओवर करके नीचे जाने का कोई सिग्नल देता है तब आप इसमें सेल कर सकते हो, और नीचे जब क्रॉस ओवर और ऊपर जाने का कोई सिग्नल देता है तब आप इसमें बाय साइड कर सकते हो। तो देखो आपको चार्ट में कहाँ ये क्रॉस ओवर मिल रहा है, तो देखो मेरे को एक इधर चार्ट में क्रॉस ओवर मिला, तो ये कैंडल ये थी। तो इसमें आप क्या करो कि जिस कैंडल पे आपको क्रॉस ओवर मिल रहा है उसके नेक्स्ट दिन देखो, अगर उसका लो ब्रेक करके वो लेवल नीचे सस्टेन कर देता है तब आप इसमें सेल साइड अपनी एंट्री बना सकते हो। बाद में देखो जब ये बाय साइड देता है सिग्नल तब की बात है। जो देखो इधर ये बाय साइड इतने सिग्नल दे रहा है, तो मैं थोड़ा चार्ट को ऊपर कर लेता हूँ तो आपको आइडिया है। तो बाय साइड इसने आई थिंक ये ग्रीन कलर की कैंडल को मतलब ब्रेक करके ना इसके आगे, ओके इसके आगे,
तो अगर ये आप देखो तो ये कैंडल पे आपको मिला था, इसके भी आगे ओके ये कैंडल पे आपको मिला था, तो जब आपको इसमें क्या है कि इसका जो हाई है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक हो जाए, बाद में आप इसमें बाय साइड एंट्री ले सकते हो। तो बाद में अगर आपने इधर से बाय साइड एंट्री लिया होता तो थोड़ा ऊपर चला गया। और मेन बात है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होने चाहिए, क्योंकि आप एंटर हो रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, सो आप वहां से एग्जिट हो सके, तो आपको वो आइडिया होना चाहिए। बाद में हमें इधर से एक सेल साइड फिर से सिग्नल मिला, हमारी जीरो लाइन से ऊपर है, तो सेल साइड सिग्नल मिला, जहां सिग्नल मिला उस कैंडल को देखो, उस कैंडल का जब लो ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल से उसको सस्टेन करता है, प्रॉपर तरीके से लो ब्रेक होता है, तब भी आप इसमें बाय या सेल एंट्री ले सकते हो। अगर इधर आपने सेल साइड एंट्री ली होती तो एक डाउन साइड आपको देखने को मिला है, बाद में फिर से हमें नीचे से अप साइड का एक सिग्नल मिला, तो देखो वहां कौन सी कैंडल है, ओके कैंडल देख ली, बाद में आप देखो उसका प्रॉपर तरीके से हाई ब्रेक होता है तब भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो देखो कौन सा है, पहले देख लेते, ओके एक ग्रीन कलर की कैंडल हाई ब्रेक हुआ, बाद में फिर से आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिला है, बाद में फिर से हम देखते तो इधर देखो हम नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी जीरो के पास है, और क्या है कि क्रॉस ओवर जीरो के पास है, तो इसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके आपको दूसरे सिग्नल मिलेंगे। बाद में फिर से आगे आए तो ये देखो इधर क्रॉस ओवर मिला है, आपको इधर जीरो लाइन के नीचे बाई साइड क्रॉस ओवर मिला, नो डाउट एक क्रॉस ओवर मिला है, तो ये कैंडल पे आपको क्रॉस ओवर, तो जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक करना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो तो इसका प्रॉपर तरीके से हाई ब्रेक कर ही नहीं पा, मतलब एक रेड जहां ओपन हो वहां से ये नीचे आने लगा, तो देखना पड़ेगा आपको प्रॉपर हाई ब्रेक पे ही एंट्री लेना है बाई साइड की, लो साइड पे प्रॉपर लो ब्रेक पे एंट्री लेना है। तो इधर आपकी एंट्री हमारे ओर से तो नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको नीचे मिल गया, बाद में फिर से आगे जाते फिर से इधर एक मतलब ट्रेंड मिला, अपसाइड जाने का एक सिग्नल मिला, ओके प्रॉपर हाई ब्रेक पे एंट्री लेते, अपसाइड थोड़ा मुंह देखने को मिला है, बाद में फिर से इधर से आपको एक सेल साइड एंट्री मिले, तो सेल साइड एंट्री देखो प्रॉपर देखो कि वहां जो कैंडल है वो कौन सी है, अगर उसका लो प्रॉपर तरीके से ब्रेक हो जाते तब आप इसमें सेल साइड एंटर हो सकते हो, तो इधर से आपको सेल साइड एंट्री मिले। बाद में देखो इधर आपको क्या है कि एंट्री मिली है कि बाई साइड की, लेकिन इधर आपको ये जो जोन है वहां तक ये ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तो यहां से आपकी बाई साइड एंट्री होती और बाद में एक अप मूव देखने को मिला है, बाद में सेल साइड, तो फिर से सेल साइड आई है, तो सेल साइड देखो कि सेल साइड आपको जहां एंट्री मिल रही है वो कौन सी पोजिशन है, तो वो कैंडल देख रहे हो आप, तो कैंडल भी अच्छी है, तो उसका लो ब्रेक होने पे आपने एंटर लिया, सेल साइड आपको एक मूव मिला, हाल फिलहाल इसने पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है, तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर वाले एंट्री देखो कहाँ हो रही है, कैंडल देखो अच्छी लग रही है, ओके उसका हाई प्रॉपर तरीके से ब्रेक हुआ है, ओके तब आप इसमें बाय साइड आ सकते हो। तो ये हो गया आपका एमएसडी इंडिकेटर। देखो नॉर्मल बात है, अगर आप क्रॉस ओवर पे ही वर्क करते हो तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप जीरो के लाइन प्लॉट करते हो, अगर इसके नीचे आपको बाय साइड सिग्नल मिला तब भी एंट्री बाय साइड की लेते हो तब अच्छा होगा, बाद में जीरो लाइन के ऊपर सेल साइड का कोई सिग्नल मिले तब एंट्री लेते हो तो वो अच्छा होगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि जिस कैंडल पे आपको क्रॉस ओवर मिल रहा है उसके नेक्स्ट कैंडल देखो, अगर ये उसका हाई या लो जो भी साइड है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक करता है तब भी आप इसमें एंटर, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड निकालने में। और इससे भी ज्यादा आपको कोई क्या है कि एक्यूरेसी चाहिए तो क्या करो आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको कोई क्या है कि बाय वाला बाय साइड एंट्री दे, सेल वाला सेल साइड एंट्री दे, तब आप इसमें वर्क करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं आता तो लर्न कर लो, आप हमारे से भी लर्न कर सकते हो, हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम इस पर क्या है कि आपको बताएंगे कैसे इस पर वर्क करना है, प्रॉपर तरीके से आपको प्राइस एक्शन सिखाएंगे, अगर आपको हमारे से सीखना है तब की बात है। तो ये हो गया हमारी ओर से एमएसडी। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे, सो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।